एक बहन ने पूछा है भगवान की कृपा कब प्राप्त होती है। भगवान एक दिन किसी उल्टू ने पूछा कि सूर्य की रोशनी कब खिलती है, तो जब उल्लू को आंख मिलेगी दिन में देखने की तब उसको रोशनी मिलेगी। तो देखो भगवान को तो कृपा में है, कृपा के सिवाय भगवान की मूर्ति में और कोई तत्व नहीं है। प्रभु मूर्त कृपा नहीं है, वो निर्गुण से सगुण क्यों कृपा परवश, वो निराकार से साकार क्यों कृपा परवश, वो अप्रगट से प्रगट क्यों कृपा करे, वो वैकुंठ से धरती पर क्यों कृपा करे, वो सबके बाप होने पर बेटा कैसे कृपा से, काम की गंध न होने पर भी ब्याह करने वाले कैसे कृपा से, बिना साधन की जो पूजा है उसके पीछे पीछे जाकर छेड़छाड़ करने वाले कैसे कृपा से। तो भगवान की कृपा सब समय सब देश में सब रूप में निरंतर बरस रही है, जैसे सूर्य है। अध्यात्म विद्याधिगमः, अध्यात्म माने शरीर के भीतर जो जैसे धरती में से सुगंध उड़ती है, जैसे जल में द्रव होता है, जैसे तेज तत्व से रूप चमकता है, जैसे वायु से प्राण मिलता है, जैसे आकाश से आकाश और शब्द मिलता है, ठीक इसी प्रकार से निरंतर भगवत स्वरूप से कृपा की बरसात हो रही है, कृपा की गंगा बह रही है, कृपा का समुद्र मर रहा है, कृपा कृपा कृपा। लेकिन हम इसको देख नहीं पाते, देख न पाने में भी एक कृपा एक कृपा है वो कि जब कृपा को नहीं देख पाएंगे तो दुख होगा, और जब दुख होगा तो उस दुख से छूटने के लिए व्याकुलता होगी, और जब व्याकुलता होगी तो कृपा का अनुभव होगा। इसलिए भगवान की कृपा ऐसी होती है ये धारणा मत बनाओ। जीवन में भी भगवान की कृपा है, मरण में भी भगवान की कृपा है, संयोग में भी भगवान की कृपा है, वियोग में भी भगवान की कृपा है। जब तुम्हारे मन की हो तब तो समझो कि कृपा, और जब तुम्हारे मन की न हो तो समझो कि कृपा नहीं। तो इसका अर्थ है कि कृपा की पहचान नहीं है। देखो श्रीमद् भागवत का कहना है, तत्तेन कंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानैवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग् वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवे तेजो मुक्ति पदे सदायघात। भगवान की अनुकंपा, अनुकंपा मानो तुम्हारे साथ हिल रहे हैं, तुम्हारे साथ ही स्पंदित हो रहे हैं, उल्लसित हो रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं भगवान तुम्हारे साथ ही साथ। जैसे तुम्हारी आंख पुतली हिलती है, जैसे तुम्हारे दिल का जैसे तुम्हारा दिल चलता है हिलता है, ऐसे तुम्हारे साथ ही भगवान निरंतर रहते हैं। बल्कि भगवान ना हो तो दिल हिलेगा भी नहीं, आंख की पुतली हिलेगी भी नहीं। तो भगवान की जो अनुकंपा है वो हर हालत में प्राप्त है, उसको सुसुष्टुतया सम्यक ईक्षमाणा सुसमीक्षमाणा। भगवान की कृपा की प्रतीक्षा मत करो, ये याद करते हो कि अमुक दिन भगवान की कृपा हुई थी, बड़ी कृपा थी उस दिन भगवान की, तो बीच में क्या था, कृपा को अधूरा कर दिया ना भाई। जिस दिन हुई थी तुमको मालूम पड़ा उस दिन भी, और जब तुमको नहीं मालूम पड़ा तब भी भगवान की कृपा ही थी। तो भगवान की कृपा स्मरण करने की वस्तु नहीं है। अच्छा
तो आगे कृपा होगी भविष्य में, अभी इंतजार है एक दिन कृपा होगी। तो भगवान की कृपा न तो स्मृति का विषय है और न तो कल्पना का विषय है कि कब कृपा थी और कब कृपा होगी। जो कुछ है, जो कुछ हो रहा है, हम जहाँ जहाँ हैं, हम जब जब हैं, हम जैसे जैसे हैं, सब जगह भगवान की कृपा बरस रही है, उसको भली भांति देखो, प्रतीक्षा मत करो, इंतजार मत करो कि कृपा कब आएगी। कृपा अभी आ रही है। ये है वह सुकृत दुष्कृत विद्वृते ईश नित्यो महिमा ब्राह्मण से न कर्मणा वर्धते नो कन्या। देखो हर हालत में भगवान की कृपा है, और रही बात अनुकूल प्रतिकूल की, तो वो तो प्रारब्ध के अनुसार आते ही रहता है। उन जाने वात्म कृतम विपाक, बस ये है कि हृदय से, वचन से, मन से भगवान के चरणों में झुके हो, इसको देखो, झुक जाओ, झुके हो इस बात को देखो। हृदबाग बपुर भी अभी तो मैं कभी हाल में कर्म मीमांसा पढ़ रहा था, इसमें आया कि वाचनिक जो पाप होते हैं वाणी से, उनका फल भी वाणी से ही मिलता है। कोई देगा गाली और वो दिल जो है तिलमिला जाएगा, और शरीर से पाप करोगे तो तुम्हारे शरीर को चोट लगेगी, और मन से पाप करोगे तो मन जो है वो इतना उद्विग्न होगा। मन के पाप का फल मन में, वचन के पाप का फल वचन में, और कर्म के फल का पाप कर्म में। ऐसा इसकी ऐसी विधि बैठी हुई है, बैठाई हुई है कि बाबा सावधान रहो, कर्म मत देखो, कर्म फल मत देखो, देखो भगवान की कृपा। एक बात की ओर ध्यान आपका आकृष्ट करते हैं, ये गीता में जो निष्काम कर्म है वो केवल निष्काम ही है कि निष्प्रयोजन भी है? तो निष्प्रयोजन और निष्काम में थोड़ा अंतर होता है। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्षित पौरुषम मोहादारभ्य से कर्म यत्त तामस मुच्यते। यदि अनुबंध का विचार करके कर्म नहीं किया जाएगा, विषय विषय प्रयोजन अधिकारी संबंध का विचार के बिना यदि कर्म किया जाएगा तो वो तमोगुणी कर्म हो जाएगा। इसलिए कर्म तो शास्त्रोक्त सब प्रयोजन होता है। कामना दूसरी चीज है, और सब प्रयोजन होने से जो सात्विक कर्म होता है वो दूसरी चीज है। तो क्या नाम है, हम लोगों को कृपा अपनी आंख में ऐसा मसाला लगा, अपने दिल में ऐसा मसाला पोत कि सर्वत्र जैसे तत्वज्ञ की दृष्टि में सर्व कर्म होता है, वैसे भक्त की दृष्टि में सर्व सर्व कुछ सर्व मारे तो मर जाए, पीछे तो बिक जाए, और बीमार जा रहे तो बीमार हो जाए, और भगा दे तो भाग जाए, भगा दे तो मिल जाए। सब में उसका प्रेम ही है, उसकी कृपा ही है। तो भगवान की कृपा का अनुभव कैसे हो, जब तुम ये बनाते हो कि ऐसे हो तो कृपा है और ऐसे हो तो कृपा नहीं है, तब कृपा अधूरी हो जाती है। जो हो, जैसे हो, जैसे भगवान करे, उसी ही भगवान की कृपा और हमारा मंगल है और हमारा हित है। इसी का नाम समत्व बुद्धि है, जो स्वामी जी महाराज बता रहे थे ना, समत्व बुद्धि मतलब जो कुछ होगा, जो कुछ हो रहा है, सर्व देश, सर्व काल, सर्व वस्तु, सर्वक्रिया, सर्व भाव, सर्वविद भजति मां, सर्व भावेन भारत, देखो कृपा ही कृपा है।